हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका। प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग रोल का सीड बनाना है, उसे कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। आपको ज्यादा पानी एक ही साथ नहीं डालना है, ज्यादा पानी अगर एक ही साथ डालिएगा तो इसमें लम्स बन जाएगा और जैसा हम सीड बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि रोटी से बेल के सीड कैसे बना सकते हैं तो उसका भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको घोल बना के सीड बनाना दिखाएंगे, दोनों तरीके आप लोग के साथ शेयर किए हैं ताकि आप लोग को जो समझ में आए और जो आसान लगे उससे आप बना सकें। और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका घोल बिल्कुल स्मूथ बना के रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, इससे ज्यादा पतला और जिससे ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अगर ज्यादा पतला बना दीजिएगा तो हमारा जो सीड है वो अच्छे से बनेगा नहीं, और ज्यादा गाढ़ा बना दीजिएगा तो वो तवे पर डालने के बाद बिल्कुल चिपक जाएगा। जब तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको सीड को फैला देना है, यानी घोल को, और घोल को आप अपने मन चाहे शेप में फैला सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग स्प्रिंग का रोल का शेप दे देंगे आसानी से। और ये देखिए, जैसे ही अच्छे से आपको लगेगा कि एक साइड से सिक गया है, आपको ज्यादा इसको सेकना नहीं रहता है, बस हल्का सा ही। और ये देखिए, इस तरह से इसे निकाल लेंगे और ये अपने आप ही तवे को छोड़ने लगता है। तो इसी तरीके से सारे जो है हम सीड बना के तैयार कर लेते हैं, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस तरह से हम थोड़ा सा मैदा का घोल भी बना ले रहे हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, इसको हम साइड में रख देंगे। और स्प्रिंग रोल का वीडियो देखना चाहते हैं कि स्प्रिंग रोल आप घर पे कैसे बना सकते हैं, आप पनीर स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल एड स्प्रिंग रोल और चिकन स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बहुत सारा का वीडियो अपलोड है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और ये देखिए, हमने इतना सारा सेट बना के रेडी कर लिया है, और इसे आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। जो आता है मार्केट में मिलता है पन्नी स्टोर करने वाला ना, उसमें आप स्टोर करके बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। और ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है। और इसे एक पे एक आपको अगर रखना है तो आप उस पर थोड़ा सा मैदा लगाइए, उसके बाद एक पे एक आप सीड को रखिए, नहीं तो एक दूसरे में ये चिपक जाता है। और इसके बाद आपको बनाना कैसे वो बता देते हैं। तो इस तरह से आप ले लेंगे अपना जो बंदा गोभी, जो जितना भी वेजिटेबल ऐड करके बनाना है, और इस तरह से शेप देके आप स्प्रिंग रोल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पर आपको क्या क्या वेजिटेबल ऐड करके स्प्रिंग रोल बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम आपको सीड बनाना बताया, और बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल, मार्केट से भी ज्यादा अच्छा घर पे बनता है। और ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और कितना अच्छा हमारा स्प्रिंग रोल बना है। तो इसी तरह से आप सारा स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। आपको स्प्रिंग रोल का सीड बनाने का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट आपको कौन सा कुकिंग का वीडियो सीखना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप लोग आगे भी मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा अपना। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पे दोनों तरह का